आज का, आज तीज है तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा फास्टिंग है, जैसे कि आप लोगों ने पहले ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मैंने सुबह का पूजा कर लिया है, संकल्प वगैरह ले लिया है, और सुबह में नॉर्मल पूजा ही होता है, इसमें शाम को ही ज़्यादातर के खास पूजा होता है। प्रदोष काल में जो मुहूर्त होता है उस टाइम जो पूजा होता है उसको ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो हम लोगों के तरफ बिहार के साइड में ये गुजिया चढ़ता है तीज में, तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ। मैंने कल मोदक बना के रख दिया है गणपति पप्पा के लिए, बट अभी गुजिया बनाने जा रही हूँ। मैंने पूजा वगैरह सब कर लिया है, सारा काम निपटा लिया है, और मेरी मेहंदी का कलर देखिए, वाह कितना अच्छा है ना। ऐसा कलर मेरे ख्याल से कई सालों बाद आया है, आता ही नहीं है पता नहीं क्यों, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा कलर आया है। तो अभी चलते हैं गुजिया बनाने, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है और बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन काम तो करना है। तो चलिए चलते हैं, पहले उस काम को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई बैठा लिया है, और उसके बाद मैंने सूजी डाला है। जी हाँ, मैंने बिना घी और तेल को पहले सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करना है। जब आप 5-7 मिनट तक रोस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक ब्राउन होने लगता है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच घी डाला है, उसको अच्छे से मिला लिया है। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, गैस को बंद कर देना है। जी हाँ, इस टाइम पर हमें और कुछ नहीं डालना है इसमें। दूसरी तरफ हम लोग एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम लोग चीनी और इलायची डाल के उसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे और उसे साइड रख देंगे जब तक हमारा सूजी ठंडा हो रहा है। और उसके बाद हम लोग एक डो बनाएंगे, उसमें हमने लिया है मैदा। मैदे को मोइन देंगे अच्छे से घी से या फिर रिफाइन से, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे दे के एक सॉफ्ट डो रेडी कर लीजिए। उसके बाद हमारा सूजी ठंडा हो चुका है तो हम उसमें पीसी हुई चीनी, इलायची का पाउडर, ड्राई फ्रूट और सॉफ्ट डालेंगे और उसको अच्छे से मिला के एक बर्तन में डाल लेंगे। और अब आती है बारी हमारी गुजिया बनाने की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डो का जो लोई है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो मुँह में आटे वाला फ्लेवर आता है। तो मैंने एकदम पतला, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी से ही पतला मैंने इसे बेला है, और बस इसमें अपना स्टफिंग भरेंगे। मैंने तो यहाँ पर गुजिया मोल्ड यूज़ किया है, ये मुझे ज़्यादा ही ईजी एंड कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अगर आप हाथ से बनाने में कम्फर्टेबल हो तो आप हाथ से भी बना सकते हो। और ये मोल्ड आपको ईजिली मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल बिठाया है और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे लो कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने गुजिया डालेंगे, क्योंकि हमें गुजिए को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करने पे वो बहुत जल्दी पक तो जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा, क्योंकि सूजी तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है और पूड़ी भी हम लोगों ने बहुत ही पतला बेला है, बट वो बाद में सॉगी हो जाता है। वो ऐसा कुरकुरा टेस्ट अगर चाहिए आपको मार्केट जैसा, तो आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना होगा, और बहुत ही पेशेंस के साथ। जी हाँ, ये बहुत ही टाइम टेकिंग एक पीरियड होता है जो आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको टेस्टी और मार्केट वाला टेस्ट चाहिए तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बस आपको बस अच्छे से इसको उल्टा उल्टा पलटा करते रहना चाहिए, मतलब पलटते रहना है इधर उधर, और जब ये थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन, इसको डीप ब्राउन नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन ही ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए और बस हमारा गुजिया रेडी है। और मुझे ये गुजिया बनाने में आप सोच भी नहीं सकते कि 2 घंटे का समय लगा है, क्योंकि मैंने 1 किलो मैदे का बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है छोटी छोटी पूड़ियाँ। और बस हमारा गुजिया रेडी है, और क्या चाहिए गर्मा गर्म गुजिया मैंने बना के इसको साइड रख दिया है, शाम को ये चढ़ाने के काम आएगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ और थक चुकी हूँ पसीने से, बस तो चलते हैं घूमने और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा गुजिया बन गया है और 2 घंटे लगे, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, अब मैंने झूला कर लिया है पीछे, क्या करूँ, इतनी ज़्यादा धूप है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और उसके बाद 2 घंटे निकल गए मुझे सारा प्रोसेस धीरे धीरे, क्योंकि उसको फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मतलब 1.5 घंटे, उसके बाद मैं उठूँगी, फिर थोड़ा नेल वगैरह पेंट करूँगी, उसके बाद फिर नहाना वगैरह पूजा जो भी होगा प्रोसेस वो आपको दिखाऊँगी, बट अभी मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, तभी धीरे धीरे रेस्ट करने जा रही हूँ उसके बाद आपसे। हाँ जी, तो मैं आधा रेडी हो चुकी हूँ, आधा मतलब मैं मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है, चूड़ी वूड़ी पहन लिया है, पायल वगैरह, बट मुझे साड़ी पहनना बाकी है। तो उसके पहले मुझे पंचामृत भी बनाना है और थोड़ा बहुत पूजा का सामान भी सेट करना है,
मैं बहुत पहले ही उठ चुकी थी, मैंने नहा वगैरह लिया है, सब चीज़ कर लिया है और टाइम नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी फ़ोन उठाया सूट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट पंचामृत बनाते हैं, उसके बाद में साड़ी पहनेंगे, जब हम लोग पूजा की तरफ निकलते हैं। तो चलिए बिना देरी से, बिना किसी देरी के, सॉरी मैं क्या ही बोल रही। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी में, एक बाउल में, अब जो आप बर्तन आपके पास जो है उसमें दूध लेंगे, और दूध याद रखिएगा कच्चा होना चाहिए। जी हाँ, हमें पंचामृत में कच्चा दूध ही चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे कि आधा किलो दूध लिया है, तो 250 ग्राम दही लिया है, सेम क्वांटिटी में हमें चाहिए दही, उसका आधा ही चाहिए होता है। उसके बाद हमने उसमें दही मिलाया है, चीनी डालेंगे, उसके बाद मैंने इसमें हनी डाला है। हनी स्वीटनेस के लिए भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहिए चीनी अवॉइड करना चाहें तो चीनी थोड़ी सी डालें और हनी ज़्यादा डालें, लेकिन डालना दोनों ही स्वीट है आपको। उसके बाद मैंने घी डाला है और ड्राई फ्रूट जो मेरे पास कटे हुए थे वो मैंने डाला है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको डाल सकते हैं। और मैंने लास्ट में से मखाने डाले हैं। मैंने यहाँ पे दो जगह बनाया है पंचामृत, क्योंकि एक में मैं डालूँगी तुलसी पत्ता और दूसरे वाले पंचामृत में तुलसी पत्ता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे गणपति को बिना तुलसी वाला ही भोग चढ़ाया जाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है उन्हें तुलसी का प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। इसलिए मैंने दो जगह डाला है, एक कटोरी में निकाल के मैंने साइड रख दिया है गणपति पप्पा के लिए, और दूसरा जो हमारा भोग होगा गौड़ी और शिव जी के लिए रहेगा, तो उसमें हम लोग तुलसी पत्ता डालेंगे। और ये हमारा पंचामृत रेडी हो चुका है, तो आप भी इसे कभी भी बना सकते हैं पूजा में। मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और हस्बैंड ने सिंदूर लगाया है, क्योंकि कोई था नहीं, आप लोगों ने देखा जैसे रिकॉर्डिंग में,
मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ है। और गर्मी अभी भी बहुत ही ज़्यादा है, आपको मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा, चारों तरफ पसीने ही पसीने हैं, लेकिन पूजा करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो इस ब्लॉग को और बड़ा ना करते हुए मैं यहीं एंड करूँगी। एक्चुअली क्या करना है कि आज जो पूजा हुआ है, कल मॉर्निंग में फिर सेम पूजा करके जो भी दान देना है आपके पास, सीधा कपड़ा या फिर जो भी आपके सामर्थ्य में हो, जितना आप दान दे सकते हो उतना एक ब्राह्मण को छू के दान कर देना है। और बाकी जो मिट्टी का हम लोगों ने गणेश शंकर और पार्वती जी की पूजा की है, उसको अच्छे से उठा के वहाँ से और गंगा जी में या फिर किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है, उसको घर पे नहीं रखना है बस। तो सुबह में ये जो होता है उसको करना है, तो वो मैं कल सुबह में ही करूँगी। ऑब्वियसली अभी तो पूजा ही हुआ है तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली मेरा ये तीज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। ये पूजा मेरे घर मेरे तरीके से ऐसे होता है, दूसरों के घर दूसरे तरीके से होता होगा, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होता है, बट पूजा सबके घर सेम ही होता है। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाते रहूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ, फोटो पोस्ट करती हूँ। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड एक बार फिर से हैप्पी तीज आप सभी को।